बंक बिहलान की जय, बोल राधान सरकार की जय, बोल राधा रमन सरकार की जय, बोल बरसाने वारी की जय, कुंज बिहारी लाल की जय, श्री द्वारिका नाथ महाराज की जय। तो जितने भी समस्त भक्तिरस लाइव पेज के जितने भी भक्त राधा रानी के कृपा पात्र संग जुड़े हैं, सबको इस दास रास बिहारी शरण की, सब भक्तों को राधे राधे। जैसे आपको पता है कि आजकल पूरे विश्व में संकट छाया हुआ है, कोई इसका तोड़ नहीं निकला है महामारी का, पर भगवान का नाम लेने से भव सागर से तर जाएगा, इतना तो ठाकुर जी ने कहा है भागवत में, रामायण में। तो आओ ठाकुर जी के नाम का आश्रय लेते लेते अपनी जीवा को हम पवित्र करेंगे। और मैं फिर से भक्तिरस लाइव जो हरिनाम संकीर्तन पेज बना हुआ है हमारे भैया संजीव शर्मा जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे बार बार सेवा का मौका दे रहे हैं। राधा रानी इन पर अति कृपा करे और सभी भक्तों को प्रतिदिन रोज कोई ना कोई संत, कोई ऋषि, कोई कोई रसिक अपनी वाणी से ठाकुर जी के नाम का सबको रस पिला रहे हैं। तो इस पेज के माध्यम से सब राधा नाम का, ठाकुर जी के नाम का रस पी रहे हैं। तो ये जीव बड़ा ही भाग्यशाली है, बड़ा ही भाग्यशाली है ये जीव जो ठाकुर जी के नाम का रस पीता है। तो आओ, इस बीमारी से हम बच नहीं सकते, पर एक उपाय है जिससे हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं, वो है हरि का नाम। हरि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनस्तम नमामि हरि प्रणम। भगवान को जपने के लिए, दुख को मिटाने के लिए बस एक ही सहारा है, श्री हरि नाम संकीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भी भगवान कृष्ण को हरि नाम संकीर्तन से ही पाया, मीरा ने श्याम पाया, घनश्याम रटते रटते, जितने भी भक्त हैं सबने भगवान का नाम लेके भगवान को पाया है। क्यों ना हम भी भगवान को रिझाएं, क्षमा याचना मांगे। तो आओ सबसे पहले कलयुग में, ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में हरि नाम संकीर्तन से ही उद्धार होगा। तो आओ कलयुग में महामंत्र का नाम हम जपेंगे। ये ऐसा एक मंत्र है, चाहे उल्टा जप लो चाहे सीधा जप लो, खा के जप लो बिना खाए जप लो, नहाए जप लो बिना नहाए जप लो, कहां भी कोई भी स्थिति हो इसको जपा जा सकता है। तो एक ऐसा एक मंत्र है, मूल उपाय है इसका महामंत्र, 16 अक्षरों का महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बड़ा ही सुंदर इसकी महिमा कही गई है। तो आओ भक्त सब जुड़ रहे हैं मेरे साथ, तो अपनी जीवा को पवित्र करते हुए हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए महामंत्र की ध्वनि से जीवा पवित्र करें। तो आओ समय ना गवाएं, प्रभु के चरणों में लगाएं। बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो कलयुग में महामंत्र का जो जाप है मनुष्य के लिए सदा ही लाभदायक होगा, क्योंकि गुरु मंत्र जो होता है वो नहाकर और शुद्ध अवस्था में बैठकर सतगुरु का नाम जपना चाहिए। पर कलयुगी महामंत्र जो है, जो 16 अक्षरों का महामंत्र है, चाहे खाओ चाहे ना खाओ, चाहे नहाओ चाहे ना नहाओ, जैसी भी स्थिति हो आप इसका जाप कर सकते हैं। और मेरे बीच में भगत सुदेश यादव जी जुड़ चुके हैं और भक्ति रस लाइव के ये 99 माँ ये लाइव चल रहा है और 100 के पार ये हो जाएगा कल। भक्ति रस वालों ने, होशियारपुर पेज वालों ने सेंचुरी मारनी है, तो ऐसे ही ठाकुर जी कृपा करें, ऐसे ही डबल ट्रिपल जितनी भी सेंचुरी मारे मारे,
ठाकुर जी ऐसी कृपा करते रहे। इन पर हमारे संजीव भैया जो श्री हरि नाम संकीर्तन भक्ति रस लाइव चैनल पर सबको हाजिर लगवा रहे हैं, और दिल्ली से अजय भाई जय श्री राधे। तो आओ ठाकुर जी के चरणों में बैठकर, शाम का समय है और संध्या कालीन है, शाम भी है और घनश्याम भी है। तो शाम का समय है और मेरे शाम का दिन है, शाम का ये दिन चल रहा है शाम। तो शाम के चरणों में, बांके बिहारी के चरणों में बैठकर सभी आनंद ले रहे हैं, ठाकुर जी के नाम का रस पी रहे हैं। और मेरा भी सौभाग्य ऐसा है कि प्रतिदिन चाहे अपनी फेसबुक आईडी में गाऊं, चाहे किसी की फेसबुक आईडी पे गाऊं, पेज पर गाऊं, मन को एक संतुष्टि मिलती है। किसी का फोन आया था कि कह रहे थे कि घर में जब बैठे थे, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो मुश्किल हो गया था घर में बैठना, कि पूरा दिन कैसे निकालेंगे। तो जब आपने संकीर्तन करना शुरू किया, कोई भी संकीर्तन करने शुरू किया, तो मन इतना लग गया कि पता नहीं चलता दिन कहाँ निकल गया। तो ये हरि नाम संकीर्तन की महिमा है। जब तक श्रीमद् भागवत कथा का चल रहा है, हरि नाम संकीर्तन चल रहा होता है, तो कोई भी कलयुग आपदा संकट आपके निकट नहीं आ सकता। हरि नाम संकीर्तन के बाद, कथा के विश्राम होने के बाद, चाहे आप घर में जाके कुछ हो जाए उसकी गारंटी नहीं है, पर जो नाम निरंतर लेता रहता है उसको कोई संकट नहीं हर सकता। तो संकट से पारी होगा वो, क्योंकि जब बिहारी जी की कृपा हो गई, राधा रानी की कृपा हो गई, तो नाम जपते जपते बस अपनी जीवा को पवित्र कीजिए। क्योंकि अभी वृंदावन हम नहीं जा सकते, ना ही बरसाना जा सकते हैं, और बड़े भक्त जुड़ चुके हैं, रानी बांसल जी जुड़ चुके हैं, सुदेश यादव जी, जय श्री राधे। तो आओ ठाकुर जी के नाम का उच्चारण करते हुए बड़ा सुंदर भाव, मुरली पे जो बांसुरी ठाकुर जी की बस्ती है, वो अति मीठी और मन को मोह लेने वाली बांसुरी है। और क्या कहते हैं, तेरी मुरली ते तेरी मुरली ती मीठी मीठी तान ते तेरी मुरली दी मीठी मीठी तान ते मैं हो गई कुर्बान वे, मैं हो गई कुर्बान तेरी मुरली दी मीठी मीठी तान ते तेरी मुरली दी मीठी मीठी तान ते मैं तो हो गई कुर्बान वे, मैं हो गई कुर्बान तेरी छड़ी ना मरी पर कदी मेरा साथ है।
शाम रात में जद कदम मुक जानी जिंद जान में मेरी कित मुक जानी जिंद जान में मैं हो गई हो गई हो गई कुर्बान में मैं हो गई हो गई हो गई कुर्बान में तेरी मुरली दी मिठी मिठी तान ते मैं हो गई कुर्बान बांकी बहरी की मुरली पे सभी भक्त कुर्बान जाते हैं। तो आओ राधा रानी के चरणों में कुछ सुनाना है। बोले राधा रानी सरकार की जय। मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर श्यामा श्यामा स्वामिनी श्यामा मेरे जीवन की जुड़े गई किशोरी तेरे चरणन में मेरे जीवन की जुड़ गई लो किशोरी तेरे चरणन में किशोरी तेरे चरणन में महारानी तेरे चरणन में किशोरी तेरे चरणन में महारानी तेरे चरणन में जुड़े गई डोर किशोरी तेरे चरण में मेरी जीवन की जुड़ी गई डोर किशोरी तेरे चरण में तू एक इशारा कर दे हो तू एक इशारा कर दे मैं दौड़ी आऊं परेशानी मैं दौड़ी मैं दौड़ी आऊं परेशानी प्यारी एक इशारा कर दे मैं दौड़ी आऊं परेशानी मैं तो नाचूं बन कर मोर मैं तो नाचूं बन कर मोर किशोरी तेरे चरण मेरी जीवन की जुड़ गई मेरा पल में भाग बदल दे इशारा तेरी करुणा का इशारा तेरी करुणा का तो मेरे जीवन की कट जाए भोर तो मेरे जीवन की कट जाए दौड़ किशोरी तेरे चरणन में मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में तेरी ऊंची अटारी है प्यारी ओ तेरी ऊंची अटारी है प्यारी मैं वारी
सेवा कुंज में हो मेरी मोर किशोरी तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़े गई डोर किशोरी तेरे चरणों में, कुछ ऐसी कृपा कर दो, कुछ ऐसी करुणा कर दो, बसा लो प्यारी वृंदावन, बसा लो प्यारी वृंदावन, ओ तेरो रवि पति तन श्री मोर, ओ तेरो रवि पति तन श्री मोर किशोरी तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणों में, किशोरी और सब ऐसे ही प्यार दें, किशोर जी का नाम जपते जपते अपने जीवा को पवित्र करें, तो जीना किसके लिए है? सिर्फ ठाकुर जी के लिए, क्योंकि उसके बगैर जीना कोई जीना नहीं है। दुखड़ा किसे सुनाए, दुनिया में सिर्फ एक ही है। कौन है वो? बांके बिहारी है, राधा रानी है, जो अपने इष्ट है। तो आओ, उसके बगैर तुम जी नहीं सकते। और क्या कहना है? बोले बांके बिहारी लाल की जय, तुझे देखना इबादत, तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है, तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है, तुम्हें कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है, तुझे देखना इबादत, तेरी तेरा प्यार हरगिज जो हो सका न हासिल, मुझे तेरा प्यार हरगिज
हो सका न हासिल, समझाऊं मैं यकीनन, समझाऊं मैं यकीनन, मुझ में ही कुछ कमी है, समझाऊं मैं यकीनन, मुझ में वैसे ही बुरा हाल है तो क्या कहना है। तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगेगा, तेरे बिना घनश्याम मेरा मन नहीं लगेगा, दिल नहीं लगेगा, परेशान मेरा
नाता जोड़ना पड़ेगा। संसार से मन लगाओगे तो दुख ही मिलेगा। संसार से मन नहीं लगाना है, मन लगाना है मनमोहन से। तो राधा रानी के चरणों में बैठकर, किशोरी जी के चरणों में बैठकर, बांकी बिहारी के चरणों में बैठकर बस अरदासें करनी है कि राधा रानी ये मेरे बांकी बिहारी जल्दी से अपने दरबार खोलो, क्योंकि बहुत मुश्किल है इस संसार में रहना। पर हमारे बिगड़ी कौन सवार सकता है। हमें नैया पार कौन लगा सकता है। कोई है दुनिया में कोई ऐसा? कोई नहीं है। जब इसमें संकट आता है तो कोई भी पास नहीं आता, सब भाग जाते हैं। रिश्तेदार भी नहीं आते जिन्हें हम अपना अपना कहते हैं, पर दुनिया में सिर्फ एक ही है जो हमारा सहारा है। जो हमारा सहारा है वो कौन है? बिगड़ा नसीब किसने सवारा तेरे बगैर, हम बेबसों का कौन है सहारा तेरे बगैर। बिगड़ा नसीब किसने सवारा तेरे बगैर, बिगड़ा नसीब किसने सवारा तेरे बगैर, हम बेबसों का कौन है सहारा तेरे बगैर, हम बेबसों का कौन है सहारा तेरे नसीब किसने सवारा तेरे बगैर।
तपस्या पुख तक ही है मेरी तो दौड़ सामने पसिया पुतक ही है होता नहीं है दास का होता नहीं है दास का गुजारा तेरे हमको नहीं गवारा तेरे दर से उठ के जाना हमको नहीं गवारा ले दे के अपना कौन है ले दे के अपना कौन है सहारा तेरे अति कृपा है जिन्होंने हमें सहारा दिया हुआ है कि बिना सहारे के अगर किशोरी जी का सहारा मिले राधा रानी का सहारा मिले तो शायद किशोरी जी कृपा करें किशोर जी कृपा करें राधा रानी कृपा करें तो ये सौभाग्यों का एक जीव का कि जो ठाकुर जी के चरणों में लगा है उसी के नाम का सहारा है बस और कोई सहारा नहीं है सब सहारे झूठे हैं कोई भी ले लो आप कोई आपके पास नहीं आएगा अगर आपको कोई संकट आ जाएगा कोई आपके निकट भी नहीं आएगा और किशोरी जी को राधा रानी को बांके बिहारी को एक दिल से पुकारना हृदय से तो मेरे बिहारी जी मेरे बिहारी जी भागे भागे आते हैं
तो इसलिए संसार में कोई अपना नहीं है। तो आओ बड़ा सुंदर भजन कहना चाहता हूं, जब कोई नहीं आता वे आता कौन है। कौन आता है? बस एक ही है दुनिया में। गज ने पुकारा भगवान दौड़े दौड़े आए, मीरा ने पुकारा भगवान दौड़े दौड़े आए। जो पता लगा कि द्रौपदी किसी कष्ट में है, तकलीफ में है और उसका चीरहरण हो रहा है, तो भगवान ने भोजन छोड़ दिया अपने भक्तों के लिए, भोजन ही छोड़ दिया। ऐसे दयालु हैं मेरे भगवान, भोजन छोड़ दिया और भगवान ने उस साड़ी में प्रवेश करके 2 करोड़ मीटर की साड़ी द्रौपदी को पहनाई। 2 करोड़ मीटर की साड़ी। दुशासन थक गया, दुशासन के शरीर में 10,000 हाथियों की जान थी, शक्ति थी उसके अंदर, पर जहां ठाकुर जी बैठ जाएं भक्तों की रक्षा करने के लिए वहां क्या बल चलता है, वहां तो भक्ति चलती है। तो द्रौपदी ने जोर से पुकारा, हे गोपी जनक प्रिय, हे गोपी जनक प्रिय, ऐसे कहा तो मेरे बांके बिहारी बचाने के लिए द्रौपदी को साड़ी में प्रवेश हो गए और साड़ी में प्रवेश होकर 2 करोड़ मीटर साड़ी द्रौपदी को। थक गया दुशासन खींच खींच के साड़ी पर, बाल ना बांका हो सके जो आप रक्षक कृष्ण मुरारी हो। बस हमें दिल से पुकारना चाहिए, हृदय से पुकारना चाहिए, भगवान सुनते हैं, जरूर सुनते हैं। क्योंकि हमें पुकारना नहीं आता है, बस हम पुकारते किसे हैं जो हमारे अपने हैं ही नहीं, हम उनको पुकारते हैं जिनका कोई भरोसा नहीं है, कब साथ छोड़ देंगे। तो आओ बड़ा सुंदर भजन क्या कहना है। जब कोई नहीं आता फिर कौन आता है? मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं चलती। ओ मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं चलती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं सुनती। किसी और की मुझको दरकार नहीं सुनती। दरकार पड़े जब भी, दरकार पड़े
के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। वो इतना बड़ा होकर दिनों से प्यार करे, वो इतना बड़ा होकर दिनों से प्यार करे, चाहे छोटा हो या बड़ा सबको स्वीकार करे, चाहे छोटा हो या बड़ा सबको स्वीकार करे। हम भक्तों का ये, हम सब भक्तों का ये कहना मान जाते हैं, हम सब भक्तों का ये कहना मान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कोई प्यार करे इसको ये इनका हो जाए, कोई प्यार करे इनको ये इनका हो जाए, कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। हर दुख के हर दुख बिन देखे हर किस दुख को पहचान जाते हैं, बिन देखे हर एक दुख को पहचान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में जाने कब आएगा मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, अब आएगा मेरा सांवरिया, अब आएगा मेरे सांवरिया, मैं आएगा मेरा सांवरिया, अब आएगा मेरे सांवरिया, जाने कब आएगा मुझे गले लगाएगा, अब जल्दी आएगा मुझे गले लगाएगा, आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, जय राधे राधे हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, बोल बांके भी हरिलाल की जय। तो कोई संसार में कोई नहीं आएगा, सिर्फ बांके बिहारी आएंगे। इसलिए कहता हूं बार बार, अगर बांके बिहारी आ जाएंगे तो क्या मांगोगे? कि पैसा दे दो, दौलत दे दो, गाड़ी दे दो, क्या मांगेंगे? बस ये मांगना कि ठाकुर जी जैसा भी रखेगा हम रह लेंगे, अपने चरणों में देना, चरणों में वास देना, अपना प्यार देना, अपनी कृपा सदा हम पर रखना, हमें भूलना नहीं, बस यही कामना करना। और बड़ा सुंदर कुंती कहती है, कुंती ने क्या मांगा ठाकुर जी से? एक ही चीज मांगी कि ठाकुर मुझको दुख दे। तो बुआ, भगवान कृष्ण कहते हैं, बुआ लोग मुझसे सुख मांगते हैं, धन मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, पैसा सब कुछ मांगते हैं,
पर तुम पहली बार देखा जो दुख मांग रहे हो। तो कुंती ने बड़ी अच्छी बात कही कि मुझे कुछ नहीं चाहिए कृष्ण, जब दुख मिलेगा तो तेरी याद आएगी, सुख मिलेगा तो कोई तेरी याद नहीं आएगी। जब जब मुझे दुख मिला सिर्फ तेरी याद आई, ठोकरें मिली तो ठाकुर जी मिल गए। तो बड़ा सुंदर किसने कहा, जिंदगी में ठोकरें खाई ना होती, सच पूछो कन्हैया तेरी याद आई ना होती। तो बड़ा सुंदर भाव, आओ मैं गाना चाहता हूं, सिर्फ एक दो भाव, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा मैं। तो कुंती क्या कहती है, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू हम सब की गाड़ी को चलाते हैं, दुख सुख ही तो हम सब की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सब को इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। जीवन की नदियां के दोनों ही किनारे हैं, जीवन की नदियां के दोनों ही किनारे हैं, छोड़ चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं, दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं, दुख में सब रोते हैं, सुख में दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं, दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं, सुख में सब हंसते हैं। पर कन्हैया
सुख में मैं सुख दुख में मैंने सब ओ तेरा शुक्र गुजारे हैं। सुख दुख में ही मैंने ओ तेरा शुक्र गुजारे हैं। छोड़ू मती से भगवान
भक्ति करनी है तो कुंती की तरह संसार से कुछ नहीं मांगना, संसार ने देना भी नहीं, सब मतलब के लोग हैं, जो देंगे मेरे भगवान देंगे, और जो भी दे रहे हैं, जो कुछ हो रहा है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो उसकी कृपा को मानकर आप जीवन चलाएं, सदा ठाकुर जी का नाम लें, मेरी यही कामना होती है। और मिनी चंचल गोपाल जी साथ जुड़ चुके हैं राधे राधे, और राधा रानी के लाडले मुकुल घई जी जंदर से बड़ा सुंदर गायन करते हैं और मेरे साथ जुड़े हैं, राधा रानी कृपा करें इन पर भी। तो कुछ नहीं मिलना संसार से आपको, मैंने पहले बार बार कितनी बार कहा है, मिलना है तो सिर्फ धोखा मिलेगा, नफरत मिलेगी, पर अगर कहेंगे प्यार तो एक ही है किशोर जी पंकज बिहारी, यही प्यार दे सकते हैं। तो आओ अब इस वाणी को विश्राम करते हुए, अपने जी सबने भजनों का आनंद लिया है, जैसी मेरी वाणी थी मैंने गाया, आपको अच्छा लगा, आपने प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद मैं भक्तों का जो पेज से जुड़े हैं और भक्ति रस हरिनाम संकीर्तन लाइव ये जो चल रहा है पेज, बड़ा सुंदर पेज चल रहा है, बड़ी कृपा है किशोर जी की, राधा रानी की, हमारे भैया संजीव शर्मा जी के पेज को चला रहे हैं, और सभी रसिकों को ठाकुर जी के चरणों में, भक्तों के मन के लिए, जग के कामना के लिए ये बड़ा सुंदर प्रयास किया है। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो मुझे चौथी बार इस पेज पर गाने का अवसर मिला है, तो मैं बहुत आभारी हूँ संजीव शर्मा जी का, राधा रानी इन पर सदा कृपा बनाई रखे। तो सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।